आजकल ले में हूँ और हम ले की यादें ताज़ा कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी चौथी बार ले में आई हूँ और पहले द्वंद साहब यहाँ 2010 से 2012 तक इस बटालियन के सीओ रहे हैं। उससे पहले 89 में पोस्टिंग थी हमारी और एक बार हम गवर्नमेंट ड्यूटी आए थे, अब फिर ड्यूटी। और आज ले में है हमारा तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो मैंने अपना लुक चेंज कर लिया है और मैंने सूट पहन लिया है क्योंकि वहाँ से ढकना पड़ता है और सूट में अच्छा लगता है गुरुद्वारे में जाना मुझे। तो एक हमारी ये परंपरा भी है कि हम जिस तरह का धार्मिक स्थान है उसी तरह से हम उसमें बनकर जाएं तो अच्छा लगता है कि हमें किसी का सुनना ना पड़े। तो मैंने पहन लिया है सूट और आज पत्थर साहिब के आपको भी दर्शन करवा। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी निकलते हैं बाहर। और एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, उसके लिए बहुत दुख है। बस में आग लग गई है, उसी की न्यूज़ चल रही है। तो सबके परिवारों को भगवान सांत्वना दे और उनकी आत्मा को शांति दे जो इस दुनिया से चले गए हैं। अभी हम कर लेते हैं नाश्ता और नाश्ते में जैसा कि मैंने बताया इडली और सांभर हमने बनवाई है। कैसे है तुम साहब? सभी है, बहुत अच्छा है और बहुत ही लेह में जो है ये अगर मिल जाए। अच्छा, इससे बड़ी हाँ बिल्कुल, इसको यहाँ फर्मिनेट करना भी बहुत मुश्किल होता है ना ठंड की वजह से, लेकिन आजकल थोड़ा मौसम ठीक है तो ये मौसम अच्छा है और हो जाता है। इंजीनियरों का प्यार है तो जो इतने प्यार से हम खिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसको हम भगवान का नाम लेके और ग्रहण कर लेते हैं। अभी यादों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हम दो बार लेह में रह चुके हैं। धुंध साहब, क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ, क्या क्या लगा? सोलर लाइट हो गई है, यूनियन टेरिटरी होने के बाद में काफी डेवलपमेंट हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके नजदीक आ गया। पहले लद्दाख जो है बहुत दूर था, जो गवर्नमेंट की सीट थी वो या तो श्रीनगर में रहती थी गर्मियों में और सर्दियों में जम्मू रहती थी। अच्छा, अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी आ गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गए हैं और अपना इंडिपेंडेंट सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और काफ़ी अधिकारी आ गए हैं। अच्छा, जिसकी वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया है। ये तो देख ही रहे हो आप, देखो। हाँ, केंद्रीय सरकार से क्योंकि नई यूनियन टेरिटरी बनी है तो सब कंस्ट्रक्शंस जो है नई बन रही है। अभी आप राइट साइड में आप देखेंगे, ये यूनियन टेरिटरी की CMC का ऑफिस है। अच्छा, और जो आप सामने जाएंगे खारदुंगला, वो सामने अच्छा। जो पहाड़ियां दिख रही है उससे होते हुए आप हुंडर चले जाते हैं जो कि नुब्रा वैली में आप सामने दिख रहा है। अच्छा, जो हम जाएंगे ये तुरतुक वही जगह है जो मैं बता रहा था आपको। ये लास्ट विलेज है और ये 1971 से पहले पाकिस्तान के पास था। अच्छा, और यहाँ पर ये 3-4 गांव अच्छा हिंदुस्तान में आ गए हैं। ओ, ये देखो कितने सुंदर मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं। ये देखो आप राइट साइड में, ये CMC का ऑफिस है। अच्छा, ये देखो ये साइड। ओ, ये तो ठीक है, मॉन्यूमेंट्स देखो कितने सुंदर बना रखे हैं। ये पूरे पुराने इंजन से पुराने स्टील की। अच्छा, ये है ऑफिस। ऑफिस पीछे जा चुका है, गोल्ड टाइप का। कुछ और भी था एक, पता नहीं क्या। स्तूपा की शेप में बना हुआ है। अच्छा अच्छा, और ये यहाँ के कभी नामग्याल साहब राजा होते थे तो ये उनका घोड़े के साथ। और अभी हम जा रहे हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा से होते हुए। अच्छा, हाँ। पत्थर साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद हम जाएंगे मैग्नेटिक हिल और फिर जास्कर और इंडस नदी का संगम है। उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। अच्छा, ये वही गेट आ गया जहाँ हम पार करके गए थे। हाँ, ये एयरपोर्ट से आए थे। ये बनाया गया है विशेष तौर पे जब G20 के कंट्रीज के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था और भारत की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से पूरे G20 के देशों के रिप्रेजेंटेटिव को परिचय कराया गया था। इस तरह का वाराणसी में भी हुआ है, सब जगह हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, अपने चंडीगढ़ में भी हुआ है। तो ये भारत की विविधता में एक
को दर्शाने का जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि हम विभिन्न सोच विचार के होते हुए विभिन्न रिलीजन, देखो कितना रश है, होते है? बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं अभी और मौसम बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला है वो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। पहले रास्ते खराब थे और इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आए। बहुत सुंदर जगह है देखने वाली, ऐसी जगह नहीं मिलेगी इंडिया में और कहीं, क्योंकि इसका एक अलग चार्म है। ब्लू आपको स्काई नजर आएगा, बिल्कुल कितने अच्छे माउंटेन है। तो यहाँ जो टेम्परेचर है, इवन जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं, इस इलाके का भी -25 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है, मई जून जुलाई इसमें तो बहुत अच्छा मौसम रहता है, 30-32 डिग्री भी पहुंच चुका है यहाँ का टेम्परेचर। ये है एयरपोर्ट का एरिया जिसमें से हम परसों भी निकल कर गए थे, और ये जैसा कि मैंने बताया था जी, जो यहाँ बर्ड्स होते हैं जैसे लेक पर है या पहाड़ों में है, उनकी सबकी पेंटिंग लगा रखी है। इंडस नदी जा रही है तो वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली दिखाई दे रही है, बाकी सूखा है। ये देखिए लैंड कर रहा है, तो एयरपोर्ट है नजदीक ही यार। प्लांट है जिनकी चाय भी बनती है, इनके पत्तों को सुखा के चाय बनाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाँ गोल गोल फ्रूट लगता है, ये आ गई हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ये कैलाश मानसरोवर से आती है, और कौन सी भी मिल जाती है, सब नदियाँ मिल, श्योक नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में जाके। ब्यास नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी, अच्छा ये सारी एक हो जाती है, फिर इसमें मिलती है सारी। अच्छा तो फिर क्या नाम हो जाता है इसका, अच्छा नाम सिंधु ही रहता है। आर्मी की कन्वाई जा रही है, जो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जवान अपनी देश की रक्षा में कैसे डटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी कितनी तत्परता से निभा रहे हैं। सैल्यूट है इन्हें जवानों को। स्काउट का रेजिमेंटल सेंटर, अच्छा जब बादल फटा था यहाँ 2010 में ना, तो ये कैंप पूरा बह गया था। अब 2010 तक बिजली की बड़ी भारी यहाँ कमी थी, क्योंकि हाइड्रो प्लांट थे यहाँ कुछ जो कि सर्दियों में पानी जमने की वजह से बंद हो जाते थे, लेकिन अब बिजली की कोई कमी नहीं है और सोलर पे काफ़ी काम हुआ है, सोलर लाइट बहुत है, क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज़ रहती है वैसे भी, और उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए सोलर प्लांट को, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है, बादल बहुत
बहुत कड़क धूप खिलती है यहाँ, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है उस पर काम, तो लगता है कि 2-4 सालों में सोलर पर क्रांति आएगी। इसकी भी एक कहानी है, वो मैं उतर के बताऊंगी कि गुरुद्वारा पत्थर साहिब यहाँ कैसे बना, क्यों बना। तो ये हम अभी उतर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ हर वक्त लोग आते रहते हैं और लंगर वगैरह की व्यवस्था रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। आप आइए, यहाँ दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और खाना पीना खाइए। सब आते हैं। पाठ पढ़ा जा रहा है, पाठ हो रहा है गुरुद्वारे में। और इसकी कहानी ये है कि जब गुरु नानक देव जी चाइना और पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में आए, तो यहाँ उन्होंने तपस्या करी थी। और जब तपस्या कर रहे थे तो यहाँ के लोगों ने उनको शिकायत की कि एक राक्षस है जो हमें बहुत तंग कर रहा है और आप हमें इससे बचाइए। तो गुरु नानक जी उसके साथ मतलब उसको मारने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको जब भिड़ंत हुई तो उसने ऊपर से एक पत्थर फेंका जो कि नीचे लुढ़कता हुआ, वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से पत्थर गिराया। और वो गुरु नानक जी नीचे थे, तो जब नीचे आने लगा तो उन्होंने पीठ कर ली, तो उनकी पीठ में आके लगा और वो पत्थर अभी भी इस गुरुद्वारे में रखा हुआ है और उनकी पीठ का निशान उनकी उस पत्थर में है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी हम चलते हैं अंदर। हम चलते हैं अंदर और माथा टेक लेते हैं। देखिए किंद्रा सुंदर चढ़दी कला लिखा हुआ है और सिर ढक के अंदर जाना है, तो हमने सिर ढक लिया है। पानी के अंदर से हम कर लेते हैं, पैर धो लेते हैं। बहुत सुंदर साफ सुथरा वातावरण है, अरदास हो रही है, पाठ हो रहा है। मतलब ये वही पत्थर है जो राक्षस ने गुरु नानक देव जी की तरफ गिराया था, लेकिन गुरु नानक देव जी में इतनी दिव्य शक्तियाँ थी कि ये जो पत्थर है मोम का बन गया और उसमें उनकी छवि, जैसे पीठ लगाई तो पीठ में उनकी छवि उभर आई थी, तो आज भी वो ऐसे कैसे हैं और उसको यहाँ रख दिया गया है। ये देखिए
में तब्दील हो गया था ऐसा कहा जाता है। पानी डालने का बहुत ही सुंदर सिस्टम, पानी बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्व किया जा रहा है। एक टैंक है और उसके एक ट्रॉली है, उसके नीचे चार पहिए लगे हुए हैं और वो अपने आप उसमें पानी गिलासों में भर जाता है। ये लंगर तो क्या लंगर है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। खीर है, दाल है, पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज है, चावल है, साग है, बहुत ही बढ़िया सब खाना है। ये पत्थर साहिब गुरुद्वारे का हम लंगर ले रहे हैं और मज़ा आ गया। बहुत ही प्यार से सर्व कर रहे हैं आर्मी के जवान। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर जहाँ गुरु नानक देव जी ने तप किया था और ये तप स्थान है, ये देखिए। और उस टाइम आ जाओ साथ के साथ, उस टाइम कितनी विकट परिस्थितियां रही होगी, पानी का तो आज भी मेरे ख्याल में नामो निशानियां नहीं है। लेकिन देख रहे हैं आप एक ऊपर बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आज भी मुझे लगता है पानी बाहर से ही यहाँ आता है और ये पाइपें लगा रखी हैं जो कि नीचे फिर गुरुद्वारा साहिब में जाता है इन पाइपों के थ्रू। आज भी यहाँ पानी नहीं है, लेकिन आज पूरा ये जंगल में मंगल है। ओल्ड डेजर्ट में एक बहुत ही सुंदर और सुसज्जित गुरुद्वारा यहाँ बना हुआ है और हम अब ऊपर तक आपको ले चलते हैं। यही है जहाँ उन्होंने तप के लिए बैठे थे और यहाँ वो है जहाँ राक्षस के साथ इन्होंने लड़ाई करी थी और जो पत्थर लुटकाया था वो उस वहाँ से लुटकाया था जहाँ थोड़ा सा निशान साहिब और एक थोड़ी सी निशानी बना रखी है। और देखो सूखे पहाड़, ऑक्सीजन की कोई यहाँ वो नहीं है कि हम सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ आना और यहाँ रह के तप करना एक बहुत ही महान आत्मा का काम था और जो कि गुरु नानक देव जी थे। अभी हम उस स्थान के दर्शन कर लेते हैं और मेरा सांस फूल रहा है। आ जाओ। नीचे मेन गुरुद्वारा है और पेड़ों के नाम पर ये कुमाणी का पेड़ है जी। ये एक पता नहीं कैसे उन्हीं के तप से चला हुआ है।
लाओ आपकी बना दो। ये देखिए इस टैंक के थ्रू यहाँ पानी आता है और वो उस तरफ पाइपलाइन है, ये पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ से नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन के नीचे कोई पानी नहीं है। आप चारों तरफ देख ही रहे हैं, सूखे पहाड़ हैं, पेड़ लगाने की कोशिश की है लेकिन सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, पानी भी डाल रखा है लेकिन मौसम यहाँ 2-3 महीने ही ठीक रहता है, उसके बाद फिर वो कोल्ड डेजर्ट शुरू हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, हालांकि बर्फ़ नहीं गिरती है लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से यहाँ कोई वनस्पति पनप नहीं सकती। धन गुरु नानक देव जी ये लिखा हुआ है, ये आगे रोड चली जाती है मैग्नेटिक हिल को, यहाँ से थोड़ी दूरी में है जिसमें कि वो चुंबकीय शक्ति है एक पहाड़ में और वो अपनी तरफ लोहे की चीजों को खींचती है। हम दर्शन कर लेते हैं, फिर हम नीचे मेन गुरुद्वारे में जाएंगे। ये पता नहीं यहाँ कौन से पौधे हैं जो बिना गवानी के भी चल रहे हैं और बहुत सुंदर इनके फूल आए हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बड़े ही प्यारे फूल हैं, और ये बस थोड़ा बहुत जहाँ पानी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा जहाँ गिल्ला है, यहाँ एक इस पाइप में से थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, नीचे पत्ते भी इनके सूख रहे हैं लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, धन है इस वनस्पति को। ये सामने लंगर हॉल है, यहाँ 1 बजे से शुरू हो जाता है लंगर, 3 बजे तक चलता है, और उधर है जहाँ बर्तन वगैरह साफ करते हैं तो अपनी अपनी थाली लेके, और वहाँ या तो अपनी जो कई सेवा करते हैं वो कर देते हैं, नहीं तो जो यहाँ परमानेंट स्टाफ है वो फिर बर्तन साफ करते हैं। हमने यहाँ मज़ेदार सी चाय पी और बहुत एनर्जी से आ गई है हमें चाय पी के, चाय मेरे लायक मीठी थी, कहीं जो मीठा नहीं खाते उनके काम नहीं मुझे तो बहुत मजा आया और ऐसे नींद सी आ रही थी लंगर छक के, लेकिन अब बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। तो बाय बाय गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, हम फिर आएंगे, अभी मैं ये चौथी बार आ रही हूँ और ये हमारे यादों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम बार बार आते रहेंगे और गुरु साहब हमें बुलाते रहेंगे।